जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के सीनियर सुप्रिंटेंडेंट रविंदर पाल सिंह ने पीर को शुमाली कश्मीर के बाड़ीपोरा जिले के गुरेज इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक खसूसी ट्रैफिक मुहिम चलाई। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी दही ट्रैफिक ने कहा, इस मुहिम का मकसद हादसात पर काबू पाना और गाड़ियों के दस्तावेजात बशमूली फिटनेस और इंश्योरेंस की जाँच करना है। उन्होंने कहा, ट्रैफिक पुलिस सरहदी इलाकों का दौरा करने वाले मुसाफिरों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी। वो वादी गुरेज के दुश्वार गुजार इलाकों में ओवर चार्जिंग और ओवर स्पीड के हवाले से ट्रैफिक पुलिस से राबता कर सकते हैं, जहां ओवर राइडिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने सोमो स्टैंड दावर में मुकामी ड्राइवरों से भी बातचीत की और एक खसूसी ट्रैफिक ड्राइव भी किया। उन्होंने कहा कि सरहदी और दीगर दही इलाकों में ट्रैफिक के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा, अगर कोई भी सैया से जायद किराया वसूल करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर गाड़ी चलाने वालों को मशवरा दिया गया कि वो ट्रैफिक के कवायद व जवाबित की पाबंदी करें और इस पर अमल करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि वो तेज़ रफ्तारी से गाड़ी न चलाएं, मुकर्रर रफ्तार की हद की पाबंदी करें, दूसरी गाड़ियों के साथ रेसिंग या मुकाबले में मुलविस न हो जाएं, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल न करें, ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक न बजाएं और प्रेशर या म्यूज़िकल हॉर्न का इस्तेमाल न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वैली ऑनलाइन। करते हैं यहाँ पर हमारी लोकल जो 4 महीने का हमारा सीजन होता है, 4 महीने में पूरे ड्राइवर कितना कमाएंगे, पूरे साल का तो हमें बनना पड़ता है। यहाँ पर कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं इसके लिए, लेकिन आप लोग तंग तलवी लाने जाना, कोई नीचे जाओगे आपको तंग करना स्टार्ट कर देंगे। इलाके में आने का भी और यहाँ पे आपसे बातचीत करने का भी, ये अहदेदार जो हैं इनके लिए खासकर हदायतें हैं, मेरी ओर से मेरी रिक्वेस्ट भी है, हदायतें करेंगी कि आपका सबसे बड़ी बात है कि डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और आने वाले दिनों में भी आपका इन्फ्लक्स जो टूरिस्ट का वो बढ़ेगा। आप लोगों के जो गाइडलाइन दी गई है उसके मुताबिक चलें, जो पैरामीटर हैं उसके मुताबिक चलें, ताकि आप लोग भी खिलते पुलते रहें और जो टूरिस्ट हैं यहाँ पर वो भी किसी परेशानी के बगैर यहाँ पर आएँ। और बाकी आपका बोले कि हाँ जी, ये बहुत लोग जो हैं बहुत बढ़िया हैं, उनकी हॉस्पिटैलिटी भी बढ़िया है और इन लोगों ने हमारे साथ जो है पेश अच्छी तरह से, लेकिन आप लोगों ने फिटनेस पर ध्यान देना है। जिसकी गाड़ी फिटनेस पे नहीं चल रही, खुदारा मत चलाएं, वो कभी हादसे का सबब बन जाएगी तो उसमें कई फैमिलियां निकल जाती हैं। और ओवर स्पीड का भी कोई स्कोप नहीं है आप लोगों को, आप खुद ही दे सकते हैं, ओवर स्पीड का भी कोई स्कोप नहीं है। ओवर स्पीड पे भी आप लोग ध्यान देंगे, ओवर स्पीड पे आप लोग बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। उसके साथ साथ चार चार सवारियाँ आप लोग पीछे सेंटर में बैठाते हो और तीन चार आगे भी बैठाते हो, कई बार तो ड्राइवर को ही लपेटा लेके बैठा होता, मुझे बताओ गियर कैसे चेंज करेगा, स्टीयरिंग कैसे मूव करेगा, सही मानते हो कि नहीं मानते हो? अपनी लालच में आके मेहरबानी करके एक या दो सवारी की लालच में आके कहीं जाने मत पाएं, ये क्योंकि आप ही स्टीयरिंग पे होते हो ना, आप ही ड्राइवर होते हो, आप ही पायलट होते हो, कमांडिंग पोजीशन पे आप ही लोग होते हो। देखो हमारा फर्ज यहाँ पे आना, आपको अवेयर कराना, आपके दिमाग में ये बातें इन्फ्यूज़ करानी, सो दैट फ्यूचर में आप लोगों के दिमाग में वो बातें रहें, पनपती रहें। और आप जितने भी आपके जो ड्राइवर हजरात हैं उनसे भी बातचीत करो, हायर ऐसे बातें, साहब कोई आए थे यहाँ पे, एसएसपी साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने हमें ब्रीफ किया और अकॉर्डिंगली हमें इन बातों पर मंथन करना है और इन बातों पर चलना भी है, हाँ कि नहीं है भाई? आपकी पोल्यूशन वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंश्योरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंश्योरेंस जो है बहुत ही, आरसी आपकी होनी चाहिए, वैलिड रूट परमिट, रूट परमिट। और तीसरी बात जो है इंपॉर्टेंट, ओवर रेट, ओवर चार्ज,
ओवर चार्ज पे कोई भी मुलवस पाया गया इस व्हीकल विल बी सीज। या अभी भी मैं कहा मैंने आपको उसकी जो गाड़ी है वो सीज हो जाएगी। जो आपको गवर्नमेंट ने रेट बताई है, जो गवर्नमेंट आरटीओ साहब या सिविल अदारे ने जो भी है, जो भी टीम होती है उनको, उन्होंने आपकी रेट जो है वो फिक्स किया। आपकी रेट चस्पान होनी चाहिए, आपकी रेट चस्पान करके रखिए कौन सी रेट है, ताकि आपके जो टूरिस्ट आते हैं जो यहाँ से अगर डेस्टिनेशन जहाँ पे ड्रॉप करते हैं जाते हैं उनको पता होना चाहिए आपकी रेट। धोखा में नहीं रखना भाई, धोखा। और ओवर स्पीड पे बिल्कुल कंट्रोल, ओवर लोड, ओवर स्पीड, रूट परमिट, तीन चार चीज़ें जो हैं उनके आप लोगों ने ख्याल रखना है। और आप लोगों ने जो ड्राइवर है वो भी कोई नशेड़ी नहीं चलाना, जो कि कोई ऐसी ड्रग में मुलवस ना हो, कोई मंशात में ना खा रहा हो, कोई चर्सी ना हो, ओवर डोज में ना हो, ध्यान रखना उस पर। बिल्कुल सर, यहाँ नहीं होता है, यहाँ होना नहीं है, मेरा फर्ज है आपको होने पे तो कुछ भी होता। बांडीपुर जा रहा ना, श्रीनगर जा रहा ना, क्यों जी, यहाँ तो बिल्कुल आपको साफ सफाई वाला मिल रहा होगा ना, अच्छी बात है। तो और एक बात यही है कि आपका रूट परमिट जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि जो लाइसेंस है आपकी हिल वाली लाइसेंस, वो वाली नहीं फोर व्हीलर लाइसेंस, हाँ जी आगे तो चल पड़ा हिल वाली, हमारे पास मैं वही बोल रहा हूँ, आपके पास है, बाकी को भी चेक कर, ये आपका फर्ज बनता है। जब भी आपका गाड़ी ऑरिजिनेट होता है यहाँ पे, तो ये कई बार मैंने सुना कि प्रेसिडेंट और जो यहाँ पे सेक्रेटरी वेक्टरी रहते हैं कि आपकी बात नहीं, पर जनरल में बात होती है जनाब, वो बोलते हैं जब तक बुक ना हो पूरी की पूरी, जब तक दो तीन गाड़ियाँ सवारियाँ और ना ठूसी जाएँ, ये मेहरबानी कर इसके लिए आपको ये जो कनीनी का आदमा इसके ऊपर, और आप बीमारी आप 100% आपकी बीमारी रहेगी। सही बोलते हैं कि नहीं भाई, इसके ऊपर आप लोग एतमा था ना आप लोग, और आप भी इसके ऊपर ये करते हो ना, ये जो बातें मैं बोल के जा रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग इस पर अमल में लाएंगे, आप लोगों ने अमल करना इन बातों का, सो दैट आपका एरिया भी खुशहाल रहे और एक्सीडेंट ना हो। मेरा एक ही मुद्दा है, प्रॉमिस करते हो आप लोग, नहीं पक्का, ठीक है भाई, हाँ बोलिए। यहाँ पे जो है लोगों को बताना चाहेंगे आप, ये रेस जो इलाका है इसमें हमारा एक स्पेशल ड्राइव आज हम लोग कर रहे हैं, और इसमें जैसे कि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रही है और आने वाले दिनों में भी यहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट जो है वो बढ़ता रहेगा, और इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और वक्तन फ़क्तन हमारे जो एसओ साहिबान वगैरह जो DSP भी यहाँ पे आ रहे हैं, उनको डायरेक्शंस भी दी गई हैं, और इट्स अ वेरी टफ टेरेन, तो इस एतबार में भी मैं हम लोग यहाँ पे आए हैं, सो दैट हम लोग एक तो जो ड्राइवर हजरात हैं यहाँ पे, क्योंकि तो आपने देखा ये सुमो स्टैंड है यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और इनसे भी मैं कुछ ब्रीफिंग करूँगा, इनको भी थोड़ी एडवाइस दूँगा, और इनसे भी कई बातें इनकी जो हैं अगर कोई शिकायत है वो भी हम पूछेंगे। और मेरा यही एक रहता है कि हम लोग इसमें एक तो ओवर ड्राइविंग जो है, ओवर राइडिंग जो कर रहे हैं यहाँ पे हमारे जो ड्राइवर हजरात, जो ओवर स्पीड में जो चलते हैं और ओवर लोड में जो मुलवस हैं यहाँ पे, उनके ऊपर एक गाज गिरानी और उनसे बात भी करना, और उनसे नुकसान जो होते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया कि किसी गाड़ी में आपके कोई 8 से ज़्यादा सवारी होती है जो कि प्रिस्क्राइब्ड एज़ पर RTO ने जो आपके RC में मेंशन की होती है, उसके अलावा भी आप लोग सवारियाँ बहुत चढ़ाते हो और उसका सबब एक एक्सीडेंट बनता है, तो वो भी एक कारण रहता है, वो कई फैमिलियाँ जो है हमारी नुकसान में जद में आ जाती हैं, वो भी है मेरी एक वो रहेगी यहाँ पे। और उसके साथ साथ जो ओवर स्पीड तो है ही नहीं आपका, क्योंकि स्कोप ही नहीं है ओवर स्पीड की यहाँ पे, क्योंकि पूरा का पूरा हिली टेरेन है यहाँ पे, नीचे से लेके बांडीपुर से लेके यहाँ तक मुझे लगता है 80 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और आगे आने में जहाँ पे भी आपके गाँव हैं, जहाँ पे भी आपको एक्सेस है रोड का, वो भी हिली टेरेन है और काफ़ी रफ भी है वहाँ पे, कई जगहों पे मैंने खुद देखा, तो आपका स्कोप नहीं है ओवर स्पीड का और प्लस ओवरलोड का ये। और फिटनेस पे जो है आप लोगों ने जितने भी आप देखेंगे कई गाड़ियाँ हमारी एक्सीडेंट का सबब पाती हैं, उसमें देखा गया कि वो फिटनेस की होती है उनकी गाड़ियों की, और मैकेनिकल चेक भी ड्राइवर हजरात नहीं करवाते हैं, तो उसके लिए भी मेरी एक इनसे रिक्वेस्ट भी रहेगी और मेरी एडवाइस भी रहेगी कि वो अपना 15 दिन में मिनिमम 15 डेज में अपना रैंडम जो है मैकेनिकल चेक भी करवाया करें, और इनका RC रहना चाहिए इनका, इनकी पोल्यूशन का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, इनका इंश्योरेंस रहना चाहिए, और इनके मैकेनिकल को काफ़ी गाड़ियाँ जो पुरानी हैं उनको मत यूज़ करें यहाँ पे, क्योंकि कोई स्कोप ही नहीं है यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है पुरानी गाड़ी का चलने का। और आप लोग देखें कि आप ही की लोकेलिटी है और आप ही के लोग हैं और आप ही इंटरकनेक्टेड हो आप लोग, तो सोसाइटी आप, तो हम लोग भी सोसाइटी में से ही हैं, तो हम लोगों ने भी ख्याल रखना, ड्राइवर हजरात ने भी ख्याल रखना, सो दैट एक तो आपका जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो अच्छा चले और ट्रैफिक हादसात के बगैर रहें, और परवाह जो हम लोगों ने करनी है वो पैसेंजर्स की करनी है, और इसके साथ साथ जो टूरिस्ट की भी परवाह करनी है कि वो इस सेंस में करनी है हम लोगों ने कि उनसे ओवर चार्ज जो है, ओवर रेट जो है
ये जितने भी हमारे ड्राइवर हजरात हैं उनसे मैं वाजे तौर पे कहता हूँ कि दे शुड हैव कंट्रोल एंड चेक, जो भी यहाँ पे इनके चौधरी हैं यहाँ पे या जो भी इनके प्रेजिडेंट हैं, एक चेक रखेंगे वहाँ पे। मैंने डीएसपी साहब को भी कहा, जो डीएसपी हैं यहाँ पे, एसडीपीओ साहब हैं, इवन एसएचओ साहब को भी कन्वे करूँगा, और आपने जो एसओ हैं ओवर चार्ज का जो है उसमें आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी, और सीज होने के बाद तो आपको उसका नुकसान जो है वो उसका खमियाजा देना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट भी रहेगी, आपसे एडवाइस भी है और डायरेक्शन भी है कि आप लोग जितने भी टूरिस्ट हैं उनसे पेश भी अच्छी तरह से आना, और क्योंकि एक डेस्टिनेशन बन रही है, ये अच्छी खासी डेस्टिनेशन बन रही है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत वादी है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल वादी है, और इसलिए उसको अपना जो है हॉस्पिटैलिटी का और अपना जो फ्राइज़ हैं वो देने का एक सबब आप लोग रखें, बरकरार रखें, जिसके लिए हम पहचाने जाते हैं। ओवर चार्ज कतई तौर पर नहीं करनी आप लोग, ओवर चार्ज जो है बिल्कुल ही जितना रेट है आपको जो भी आरटीओ साहब ने फिक्स किया, फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो वहाँ पे आपको हुकूमत बख्शे हैं, तो एज़ पर रेट लिस्ट आप लोग चलेंगे यहाँ पे। इन्हीं चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और ये ड्राइव भी था हमारा, सो दैट हम लोग देखें कि यहाँ पे निज़ाम कैसा, ट्रैफिक का कैसा चल रहा है, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, और उनको हिदायतें भी दे रहे हैं, साथ साथ आप देख रहे हैं ड्राइव भी है इसका, अवेयरनेस भी है एक किस्म का। हमारा मुद्दा यही है कि एक्सीडेंट जो है उसको इंटेंसिटी जो है एक्सीडेंट की उसको कम किया जाए। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।